लड़कियों कौन सा दरवाजा है? बस आगे ना जुबान पे, यही तो बात कहनी थी। माथा खराब कर रखा है, पूरे दिन घर का काम कर का, फिर यहाँ दुकान पे आके लग जाओ, यही रह गया यार। राजा बाबू की तरह आकर बैठ जाता है बस, और कुछ आता जाता है नहीं। बस तोड़ ही दियो तेरे ना, मुंह पे मारूंगा, मुंह पे मारूंगा, मुंह पे मारूंगा। रे दुकान पे, दुकान पे ना लड़ा ये बेच दिया तने ना, सब कुछ बेच दिया मैंने तो, बेच दिया मेरी वजह से दुकान चल रही होगी। एक सूडी में तीन, अरे अपना काम कर ले जाके। ए 16 सूट बेच दिए, 16 सूट बेच दिए आज। हां 16 मारूंगा थारे, 16 मार नहीं आवे, और कुछ आवे भी है मारेंगे। बैठ जागा यहां, टांगा नु छोड़ी, नु फसार के नु बैठ जागा, कुर्सी पे नु रख लेंगे नु। नु देख के बंद करवाना पड़े, नीचे करवानी पड़े, टांगा ने नीचे कर ले। तो के करू बड़ा को जा पा मैं अजी जी, हम काम ना करते, हमारे भड़क ना होती पूरा दिन। हाँ हम भड़क ना करते, जीजा फिर यहाँ के काम करो, ये काम करे वो सुबह तुंदरी वाण बकल लग रही थी, कर दिया सारा घर का काम कर रही हूँ, और फिर यहाँ के घर। अरे हम भाई साहब मन तो घर में कुछ काम होता देखा हो ना। नहीं यहाँ भी ना दिखता, इनके सामने कस्टमर आए ना, कस्टमर को पता ना रहती, कुछ भी ना दिखता, देख लो इसने कुछ ना दिखता, इसने तोड़ फोड़ दिखा है और कुछ ना दिखता इसने, लड़वा लो इससे। बहन भाई हैं दो दो, मार दूंगी, बड़ी मुश्किल तक क्या हुआ है बता दी है। तू दूर हो दे, तू होने ना डरते मम्मी, क्या है जरूरी है ना, बैठ दूंगा, मार मार के दिखा, चला दिले मार, देख ले मुस्कान, मार ना मार, ए जीजा ना कदे मुंह पे हाथ लगा अंडे है, मार देख लिए, मार बोले ना, दो तीन बार हो रही है तू, बहुत बड़ी मार है मेरा। हाँ बता दी है तू, थप्पड़ थप्पड़ मारता रहेगा, जब देखो जब की जब भी, हाँ थप्पड़ मारता रहे, एक मिनट लगेगी, 100 नंबर पे दोबारा फोन कर दूंगी। सो नंबर से पता है क्या, 100 नंबर वालों को जेब में रखे हैं ये, इस बारे हसरा हूँ मैं। कुमारू की तेरे मेरे थप्पड़ पसंद है, मंत्र 4-5 में थप्पड़ मार लिए, तू खुश कैसी घूम रहा? थप्पड़ पसंद है मैंने, ले तेरे भाग ले, मैंने थप्पड़ पसंद है, ले थप्पड़ पसंद है, मैंने पसंद है ना, तेरे मेरे हाथ के थप्पड़ पसंद है, मान जा इस बात ने, तेरे मेरे हाथ पिटना पसंद है, तेरे मेरे हाथ, मैं ना मार दूंगी मम्मी कसम बता रही हूँ, मम्मी अपना कौन सा घर, मैंने तो बता दी तेरा कौन सा घर है, लड़की का कौन सा घर है? बस आगे ना जुबान पे, यही तो बात कहनी थी आगे ना, हाँ ताड़ दे यहाँ से भी, रोड पर रह लूंगी, लड़की का घर कौन सा है, रोड पर रह लूंगी, ताड़ दे, लड़की का कोई सा भी ना होता, तुझे तो कोई इज्जत ना है, जदे तो तेरे पर हठा दे, जद की जदे ना, यही होता ठीक है, यही होता है, ये समाज की रीत है, काम मत कर कुछ, हाँ ठाई लुगाई यहाँ पे बस, खाऊंगा अपने, पिटना पसंद है, मैं तो पिटना पसंद है, तेरे पिटना पसंद होगा, बकवास कर रहा, हम तो जीजा की तारीफ कर रहे हैं, स्मार्ट लग रहा है जीजा, तो ज्यादा बकवाद कर रहा है, अपना आप में रीज रहा है, स्मार्ट लग रहा है बुढ़ी सकल का, चल कोई ना छोड़ दे बात। राम राम जी, आपने हमारी वीडियो देखी होगी हम कैसे लड़ रहे थे, और जहाँ तक है कि ये हर घर में होती होंगी ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हमारी, तो हम ये चाहते हैं कि छोटी सी वीडियो बना के हमने छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में, कि भाई कोई भी लेडीज, कोई भी मेरी बहन, ये घरेलू हिंसा जो है इसका शिकार ना बने, कोई भी आदमी अगर ऐसे हाथ उठाता है तो उसको एक्शन लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि सबको पता है कि लड़की का ना तो मायका होता है, ना उसका ससुराल होता है, ठीक है ना, ससुराल से सपोर्ट मिलता है, ना मायके से सपोर्ट मिलता है, तो एकमात्र शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जो अपने दम पे बहुत कुछ कर सकती है, जो परिवार संभाल सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा अत्याचार होता है तो उसको ना सहन करें और उसके खिलाफ खड़े हों।